Don't do these mistakes if you are starting your Maharashtra NCERT 2024 preparation from September onwards. If you really want to crack CET, want to end up with the best MCA colleges like UGTI हो गया आपका, SPIT हो गया, SPPU पुणे हो गया, जो भी दूसरे MCA colleges आप target कर रहे हो, CET में अच्छा स्कोर लाना है तो ये मिस्टेक्स आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है. सो ये वीडियो अच्छे से देखो एंड शेयर कर दो आपके सारे फ्रेंड लोग को, सो दैट दे शुड ऑल्सो बी बेनिफिटेड फ्रॉम दिस वीडियो. Before I start, important announcement. If you are watching this video on Manuel MC Entrance channel, जहाँ पे आपको MCA वाले videos मिलेंगे, तो इसको subscribe कर लो इस channel को सबसे पहले. Very soon we'll be doing the live streaming. And live streaming किस topic पे चाहिए वो भी मुझे आप comment करके बता दो. But अगर आप ये video Manuel Education के main channel पे देख रहे हो तो Manuel MC Entrance, ये channel का link मैंने description में दिया हुआ है, kindly go and subscribe. Okay. So let's talk about one by one all the mistakes. Mistake number one, don't take any section for granted. Every section is important. सो इक्वली सारे सेक्शन को इंपॉर्टेंस दो, ठीक है. फॉर एग्जाम्पल मेरा अगर इंग्लिश बहुत अच्छा है तो मैंने मैथ्स को छोड़ देना, या तो मेरा लॉजिक बहुत अच्छा है, इंग्लिश बहुत अच्छा है तो मैं मैथ्स को ड्रॉप कर दूंगा, या तो फिर मेरा मैथ्स अच्छा है इंग्लिश अच्छा है तो मैं लॉजिक को ड्रॉप कर दे रहा हूँ. ऐसा नहीं करना. आपको इंग्लिश हो चाहे मैथ्स हो चाहे लॉजिक हो चाहे कंप्यूटर हो, सारे सेक्शन को इक्वली इंपॉर्टेंस देना है. सारे सेक्शन स्कोरिंग है, और अगर आपका कोई सेक्शन वीक भी है तो आपको उसको बैलेंस करने आना चाहिए. आपके पास 6 मंथ का टाइम, डिसेंट टाइम है, सेप्टेम्बर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जैन फेब, ठीक है, मार्च में अपना एग्जाम होगा. 6 महीने के टाइमलाइन में अगर आप वीक में एक टॉपिक भी मैथ्स का करते हो तो आराम से पूरा मैथ्स का सिलेबस एग्जाम तक हो जाएगा. तो ये गलती नहीं करनी है कि कोई सेक्शन को ज़्यादा टाइम दे दो, ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दो, दूसरे सेक्शन को इंपॉर्टेंस और या टाइम नहीं दे रहा हूँ मैं, ये गलती नहीं करनी. सेकेंड मिस्टेक, डोंट स्टार्ट योर NCERT प्रिपरेशन विदाउट पास्ट ईयर पेपर एनालिसिस. 2019 से आई थिंक 2020, 2021, 2022, 2023 पूरे पेपर का एनालिसिस वाला वीडियो आपको मिल जाएगा. ये सारे वीडियोज़ हैं जो मैंने लास्ट ईयर भी एनालिसिस किए थे, इन सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा. 2022 और 2023 का एनालिसिस देख लो, आपको थोड़ा आइडिया आ जाएगा कि CET में होता क्या है और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आते हैं, तो एक ओवरव्यू मिल जाएगा. CET का एक्चुअल पेपर आउट नहीं होता है, ठीक है. सो अगर आपको कोई बोल रहा है कि महाराष्ट्र NCERT का एक्चुअल पेपर है तो उस पर रिलाई नहीं करना, उस पर ट्रस्ट नहीं करना, बिकॉज पेपर आउट ही नहीं होता भाई. सो दैट इज़ वाई वी एट मेनुअल राइट द एग्जाम एवरी ईयर, एवरी फैकल्टी राइट द एग्जाम एवरी ईयर, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, जस्ट टू अंडरस्टैंड कि पेपर का डिफिकल्टी लेवल क्या है, और आगे जब हम नेक्स्ट ईयर प्रिपेयर करेंगे तो क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है. तो आपके टीचिंग करिकुलम और टेस्ट सीरीज में, मॉक में भी सेम टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे. थर्ड मिस्टेक, डोंट स्टार्ट योर CET प्रिपरेशन लेट या तो फिर रैंडमली. रैंडमली तो बिल्कुल नहीं करना, बहुत गलत तरीका होगा. इफ़ यू आर डूइंग सो यू विल एंड अप विद द बैड स्कोर, तो ये नहीं करना अपने को, ठीक है. सो डू हैव अ राइट रिसोर्सेज, राइट स्टडी मटेरियल एंड प्रॉपर कोचिंग. इफ यू वॉन्ट टू डू सेल्फ स्टडी यू शुड हैव अ प्रॉपर रिसोर्सेज, मतलब सेल्फ स्टडी तो एटलीस्ट वीडियोज वगैरह लेके रखो, बाकी आपका डेडिकेशन टाइमलाइन टाइम टेबल बना के प्रिपरेशन चालू कर दो. इफ यू वॉन्ट टू जॉइन अस, सो वी हैव सेंटर इन मुंबई, बोरीवली वसई दादर थाने अंधेरी, ये सेंटर्स पर आप विजिट कर सकते हो अगर आप मुंबई में हो तो. बट अगर आप मुंबई में नहीं हो तो ऑनलाइन लाइव क्लासेस के लिए इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हो. ये सारी इन्फॉर्मेशन में डिस्कशन में दिया हुआ, काइंडली चेक द डिस्क्रिप्शन. डोंट टॉक टू दी नेगेटिव पीपल, स्टे अवे फ्रॉम द पीपल जो CET लिखा ही नहीं है और आपको एडवाइस दे रहा है. फेलियर वाले लोगों से दूर रहो अगर आपको CET निकालना है. अपने को पॉजिटिव एम्बियंस चाहिए फॉर आर CET प्रिपरेशन, तो वो बहुत जरूरी है, ठीक है. डोंट टेक एनी काइंड ऑफ अ डिसीजन बेस्ड ऑन ऑल दिस कम्युनिकेशन कि भाई मैंने लास्ट ईयर CET लिखा था तो मैंने एक हफ्ते में करके हो गया था मेरा. ऑल्सो डोंट टेक एनी डिसीजन बेस्ड ऑन योर फ्रेंड्स कि फ्रेंड बोल रहा है कि मेरा आराम से CET हो गया था, CET का मेरे बहुत हलवा आता है भाई, ऐसा बिल्कुल भी नहीं, ठीक है. वो कौन से कॉलेज में वो मैटर करता है, उससे पूछो. अगर वो विजिट या SPIT में है, SPPU में है, VIT में है, SIS में है, तो मतलब ठीक ठाक स्कोर पक्का आया हुआ है. बट अगर इससे नीचे गया हुआ है तो अच्छा स्कोर नहीं आया हुआ है, तो ऐसे पर्सन का एडवाइस लेके आपकी प्रिपरेशन को हैम्पर नहीं करना है. दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. सो टॉक टू द राइट पर्सन हु कैन गिव द राइट एडवाइस. लास्ट मिस्टेक, डोंट राइट मॉक टेस्ट इन द लास्ट. पूरी पढ़ाई हो जाएगी, पूरी प्रिपरेशन हो जाएगी तो मैं मॉक लिखूंगा, ये गलती नहीं करनी है. मॉक वर्सेस प्रिपरेशन वाली स्ट्रैटेजी डेवलप करनी है अपने को, मतलब एक महीने में एक मॉक तो एटलीस्ट लिखो, और पढ़ाई के साथ साथ आपको ये भी समझ में आएगा कि ओके मॉक के अंदर ये टाइप के क्वेश्चन मुझसे नहीं बन रहे, ये वाले सेक्शन में मेरा स्कोर बन रहा है, मेरा स्ट्रेंथ एंड वीकनेस भी समझ में आएगा, ठीक है. ऑल्सो आफ्टर राइटिंग द मॉक टेस्ट डू हैव अ डिटेल एनालिसिस ऑफ द मॉक. मतलब 2 घंटे का अगर आपका मॉक का पेपर है, 3 घंटे 4 घंटे लगाओ, अच्छा खासा एनालिसिस करो, और वो एनालिसिस के बाद नेक्स्ट आगे जो प्रिपरेशन करोगे उसमें काफ़ी इंप्रोवाइजेशन आपको देखने को मिलेगा. सो दीज आर सम ऑफ द मिस्टेक्स विच यू शुड अवॉइड अगर आप सेप्टेम्बर से पढ़ाई चालू करो. 6 महीने आए अपने पास, अगर आपको CET निकालना है बहुत आराम से क्रैक कर लोगे.
अगर आप डिसिप्लिन हो, पंचुअल हो, डेडिकेशन के साथ लगे हो, सो नो वन कैन स्टॉप यू टू क्रैक सीटी. प्रिपेयर वेल, ऑल द बेस्ट, थैंक यू.